अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आज तक उर्दू। एहतसाब अदालत में मीर शकील-उर-रहमान के खिलाफ केस की समाप्त। एहतसाब अदालत में जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील-उर-रहमान के खिलाफ निजी प्रॉपर्टी केस की समाप्त जारी है। नैब की टीम मीर शकील-उर-रहमान को सख्त सिक्योरिटी में एहतसाब अदालत लेकर पहुंची और इस मौके पर अदालत के अतराफ भी सिक्योरिटी सख्त है और पुलिस की भारी नफरी तैनात है। मीर शकील-उर-रहमान की जन्म से इनके वकील बैरिस्टर एतजाज एहसन अदालत में पेश हुए। उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी जमा करवाई। बैरिस्टर एतजाज एहसन ने मीर शकील-उर-रहमान से मुलाकात की, इजाज़त मांगी, जिस पर अदालत ने मुलाकात इजाज़त दे दी। बाद अदालत ने केस की समाअत कुछ देर के बाद मुलतवी कर दी। वाजह रहे कि गुज़श्ता रोज़ नैब ने 34 बरस कबल मुबैना तौर पर हुकूमती ओहदेदार से गैर कानूनी तौर पर जायदाद खरीदने के केस में जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील-उर-रहमान को हिरासत में ले लिया था। तर्जमान जंग ग्रुप का मौकफ। तर्जमान जंग ग्रुप के मुताबिक प्रॉपर्टी 34 बरस कबल खरीदी गई थी, जिसके तमाम शवाहद नैब को फराहम कर दिए गए थे, जिन पर टैक्सेस और डेप्टीज़ के कानूनी तकाजे पूरे करने की दस्तावेज भी शामिल है। तर्जमान जंग ग्रुप का कहना था कि मीर शकील-उर-रहमान ने यह प्रॉपर्टी प्राइवेट अफराद से खरीदी थी। मीर शकील-उर-रहमान इस केस के सिलसिले में दोबारा खुद नैब लाहौर के दफ्तर में पेश हुए। दूसरी पेशी पर मीर शकील-उर-रहमान को जवाब देने के बावजूद गिरफ्तार कर लिया गया। निजी मीर शकील-उर-रहमान को झूठे और मनगढ़ंत केस में गिरफ्तार किया गया। कानूनी तरीके से सब बेनकाब करेंगे। जंग ग्रुप के खिलाफ तमाम अल्जमात, चाहिए वो 34 साल पुराने हों या ताज़ा, सब कानूनी अदालत के सामने, चाहिए वो बरतानिया के हो या पाकिस्तान के, झूठे साबित हो सकते हैं। जंग ग्रुप पर बैरून ममालिक से फंड्स लेने और सियासी सरपरस्तों से फंड्स लेने और गद्दारी, तुहीन मजहब और टैक्स वगैरह से मुतल्लक तमाम इल्जामात झूठे साबित हो चुके हैं। जंग ग्रुप के अखबार चैनल्स को बंद किया गया, रिपोर्टर्स, एडिटर, एंकर्स को मारा गया, कत्ल भी किया गया, पाबंदी आयद की गई, बाइकआउट किया गया, लेकिन हम आज भी पुरअज़म और सच की तलाश की हमारी कोशिश जारी रहेगी। नैब को शिकायत करने वाला शख्स जाली डिग्री बनाने वाली कंपनी के लिए काम करता है और इस कंपनी को एक मीडिया कंपनी भी है जो कि बैनल अक्वामी तौर पर नाकाबिल हो चुकी है। जंग ग्रुप इस शिकायत कंदा के खिलाफ अब तक इज्जत का दावा जीत चुका है और ये शख्स मुतअद्दद देकर फवाजदारी इज्जत के केसेस में कानूनी चारा जुई भगत रहा है। इंशाल्लाह हम इन तमाम केसेस में भी सरखरू होंगे। जियो न्यूज़ का दावा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स, ईमो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर ये वीडियो को शेयर करें।